सेल्फ अवेयरनेस इज मोर रेयर देन यू थिंक। आत्मबोध ना होता ही नहीं है लोगों को, पता ही नहीं होता है कि वो कैसे हैं या वो क्या कर रहे हैं। बस सबको ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा रिएक्शन कैसा था, उनको ये नहीं समझ में आता कि उन्होंने क्या किया जिसके कारण आपका ये रिएक्शन आ रहा है। आत्मबोध की कमी होना, सेल्फ अवेयरनेस, ये बहुत ज़रूरी है, दूसरों के लिए भी, आपके खुद के लिए भी, कि आप क्या हो और उसे कैसे जाने है? देखते हैं। अगर आज आप यहाँ पे हो तो इसका मतलब कि आप सेल्फ अवेयर हो। सेल्फ अवेयर होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेट है हमारी ज़िंदगी का, जो कि हम सबके अंदर होना चाहिए। और सेल्फ अवेयर होने के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहली बात, फेस योरसेल्फ, अपने आप को देखो, अपने आप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करो। ये ना ज़िंदगी को चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है जब हम अपने आप के बारे में जानना ज़्यादा चालू कर देते हैं। अपनी लाइफ को चेंज करने का यही एक सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है कि हम अपने आप के बारे में अच्छी तरह से ये जानें कि जो भी इश्यूज हमारी ज़िंदगी में हैं आखिर वो क्यों हैं, और उनको प्रॉपरली समझने की कोशिश करें कि हम उन सिचुएशंस में किस तरह से बिहेव करते हैं, क्यों करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस या आत्मबोध जिसे हम कहते हैं, ये क्यों मैटर करता है? ताकि हम अपने बारे में अच्छी तरह से जान और समझ पाएं। इसके लिए हमें बहुत बहुत क्यूरियस होना पड़ेगा अपने आप के बारे में। अब हमको आत्मबोध होगा कैसे? से पहले हमें अपने खुद के एक्शंस पे रिफ्लेक्ट करना चालू करना पड़ेगा, अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कि हम अपने एक्शंस क्यों करते हैं। सेकंड, हमें अपने डेली पैटर्न्स को समझना पड़ेगा कि हम जो भी कोई रिएक्शन दे रहे होते हैं, चाहे प्यार का चाहे गुस्से का, वो क्यों हो रहा होता है, क्या पैटर्न है जो कि लीड करता है हमारे उस रिएक्शन के लिए। तो इस चीज़ को अच्छे से अपने बारे में जानना ज़रूरी है। थर्ड, हमें अपनी पर्सनल ग्रोथ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। फोर्थ, हमें क्रिएटिव क्रिटिसिज्म सुनना चाहिए। अगर कोई स्कोप है हमें अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको बेहतर बनाने का, तो उसको सुन के उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन किसी की भी बात को दिल से नहीं लगाना है, क्योंकि अगेन एज आई से, योर कॉन्फिडेंस इज व्हाट दैट मैटर्स, एंड दूसरे तो कहते ही रहते हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर कोई बात आपको और बेहतर बना सकती है ना, तो उस बात पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत तो होती है, क्योंकि बेहतर बनने के लिए ही हमको स्ट्राइव करते रहना है हमेशा। जब हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस, आत्मबोध नहीं होता है ना, तो हम ये ग्रेजुअली बिलीव करने लगते हैं कि हमारी लाइफ तो ऐसे ही चलती है, ये दुख तो हमारे साथ होते ही रहते हैं, हमारा तो यही ज़िंदगी है। तो सबसे पहले अपने अंदर जो बिलीफ है वो लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ अवेयरनेस ना हमें एक तरह का कॉन्फिडेंस देता है ये जानने के लिए कि हम नई चॉइसेस बना सकते हैं और नए डिसीजंस भी ले सकते हैं, ताकि हमें नई राहें मिले, नया आउटकम मिले। और जब सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है ना, तो हम बहुत कंफ्यूज्ड फील करते हैं, एंशियस रहते हैं, रिजेंटफुल रहते हैं अपने बारे में भी और दूसरों के लिए भी, कि ये लोगों का कसूर है, या फिर कभी कभी मैं हूँ ही ऐसा, तो अपने आप को ब्लेम करना चालू कर देते हैं, क्योंकि हमें अपनी क्षमता जो है वो पता ही नहीं है। चलो मैं आपको तीन तरीके बताती हूँ जिससे आप और ज़्यादा सेल्फ अवेयर बन पाओ, मतलब आत्मबोध हो पाए आपको। सबसे पहले क्यों पूछना चालू कर दो, क्यों मैं ऐसे रिएक्ट करता हूँ, ऐसे बिहेव करता हूँ। अपने आप को बहुत गौर से देखो, ऑटो पायलट पे जिंदगी नहीं जीनी है। लिए क्यों, मतलब व्हाई इज द पाथवे टू सेल्फ अवेयरनेस। ऐसी चीजें करना चालू करो जो कि तुम्हारे लिए आसान ना हो। हम ना अपने बारे में ही अच्छी तरह से तब तक नहीं जान पाते हैं जब तक हम कुछ डिफिकल्ट या अनकंफर्टेबल ना करें। पता है, अपने डरों का सामना करके ही हम अपनी सच्चाई को जान सकते हैं। तुम्हें ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, यू नो, जहाँ बहुत ही कोजी कोजी लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल सा फील हो रहा है,
जहाँ पे सब कुछ बहुत आसान है, एकदम गरम गरम अच्छी गरम चाय के साथ, वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा अगर कुछ करना चाहते हो तो। और जब तुम ये कर लोगे ना, तो तुम खुद ही अपने आप के लिए ग्रेटफुल महसूस करोगे कि तुमने ऐसा किया। नेक्स्ट तरीका क्या है सेल्फ अवेयरनेस का? अपनी फैमिली के पैटर्न्स को ध्यान से और गौर से देखना चालू करो कि वो लोग क्यों बिहेव करते हैं जैसा वो बिहेव करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। फैमिली पैटर्न्स विल गिव यू द ग्रेटेस्ट सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपने बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि अच्छा, ये लोग ऐसा बिहेव करते हैं तब मेरा बिहेवियर ऐसा होता है। आपके पेरेंट्स जिस तरह से भी बिहेव करते हैं, जो भी उनका पैटर्न होता है ना, बहुत कुछ मिलता जुलता पैटर्न आपको अपने अंदर भी देखने को मिलेगा। कि ना रिलेशनशिप्स को ऑब्जर्व करो, उनके विचार कैसे हैं, ये चीज़ ध्यान से ये करके देखो, तुम्हें अपने बारे में और ज़्यादा जानने को मिलेगा कि तुम ऐसे क्यों हो। एक बात बताऊँ, इस चीज़ में ना बहुत बहुत हिम्मत लगने वाली है, अपने आप को फेस करने में बहुत हिम्मत लगती है, ये जानने में कि हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं और हम क्यों इस तरह से बिहेव करते हैं। पर ना हम सभी में वो हिम्मत जो है शायद अंदर ही छुपी हुई होती है। तो आर यू बिकमिंग मोर सेल्फ अवेयर? क्या आपको आत्मबोध हो रहा है मेरी ये सब बातें सुनकर? तो फिर मुझे कमेंट्स में बताओ, चलो वहाँ पे बात करते हैं। और सब्सक्राइब करो प्लीज़, इतनी प्यारी प्यारी बातें तुम लोगों को बताती हूँ ताकि तुम सब बहुत बहुत सफल हो। तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और उनसे भी बोलो कि वो भी सब्सक्राइब करें। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। नमस्ते।